नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबसे यही निवेदन है कि आज इस साल गर्मी की प्रमाण कुछ ज़्यादा ही है। हम इंसान अपनी गर्मी से बचने के लिए पंखा के नीचे, एसी में, छत के नीचे कहीं ना कहीं जुगाड़ कर लेते हैं। इस पूरी ब्रह्मांड में, कायनात में, पूरे संसार में हम अकेला इंसान नहीं है, लाखों करोड़ों जीव है और सबको जीने का हक है। दिन प्रतिदिन जंगल झाड़ सब काट जाते हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के लिए उसको साफ कर देते हैं, काट के कहीं कुछ बिल्डिंगें बना देते हैं, कहीं कुछ बना लेते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि ये झाड़, ये पेड़, ये जंगल कितने लोगों का, कितने जीव जंतुओं का आश्रय है। दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन काटे जा रहे हैं, लेकिन इन पशु पक्षी जीव जंतु परिस्थिति, भयंकर परिस्थिति की ऐसी गर्मी में जाए तो कहाँ जाए, हम कभी सोचते ही नहीं है। सिर्फ अपनी ही स्वार्थ के लिए काटे जा रहे, काटे जा रहे। आज देखिए इतना खतरनाक जबरदस्त टेम्परेचर गर्मी में, ये इस कुत्ते को ही देख लीजिए। किसी ने पानी के व्यवस्था किया है थोड़ा सा, जिसके अंदर वो अपनी आप को पानी में डुबोड़ दिया है, फिर भी उसकी गर्मी कम नहीं हो रहा है। तो सोचिए ऐसे लाखों जीव पड़े हैं, वो अपने आप को बचाने के लिए कहाँ जाए। मानता हूँ कि कुदरत सबकी रक्षा करते हैं, लेकिन हमें भी तो इंसान बना के भेजा है, हमें भी तो कुदरत की इस जहाँ में रहना है। और ये जीव जंतु पशु पक्षी किसी ना किसी रूप में इस पर्यावरण के सहभागी है। इनकी उपलब्धि में ही पर्यावरण का सुंदरता बढ़ते हैं। तो हम, मेरे प्यारे दोस्तों, व्यूअर्स एवं फॉलोअर्स और सोशल मीडिया की सभी ग्रुप के दोस्तों से निवेदन है, हर साल हम अपने जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं और पार्टियां करते हैं, हजारों लाखों रुपया बर्बाद कर देते हैं। तो क्यों ना अब के बार हर साल एक एक पेड़ लगाए जाए आपके जन्मदिन पे। तो अगर जन्मदिन पे हर साल एक एक पेड़ अगर हम लगा देते हैं तो पेड़ घना होते ही छाया प्रदान करेंगे, इन पशु पक्षी जीव जंतुओं को आश्रय मिलेंगे, और जैसे इनको आश्रय मिलेंगे इनकी नस्ल आगे बढ़ते रहेंगे और पर्यावरण को आधार मिलेंगे। इनकी तरक्की, इनकी प्रगति ही इस संसार की, इस कायनात की परिवर्तन है, सुखदायक है। अगर हम इंसान बन के इंसानियत दिखाते हैं तो ये घुमा फिरा के पलट के हमें ही उसका फ़ायदा मिलते हैं। तो कृपया हर साल जन्मदिन में आप पार्टी करें, जो भी करिए, लेकिन एक छोटा सा नेक काम जरूर कर दीजिएगा, एक एक पेड़ लगा दीजिएगा, जिससे कि पर्यावरण की परिवर्तन में उन्नति होता रहेगा। ये पर्यावरण जितने आगे रहेंगे, ये तो आप सबको मालूम है कि झाड़ हमें ऑक्सीजन देती है, हवा देती है, बरसात लाने में मदद करती है, और हम पता नहीं कारखाना बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, मकान्स बनाने के लिए दिन प्रतिदिन काटते जा रहे, काटते जा रहे, काटते जा रहे, बंजार होता जा रहे, पूरी सृष्टि बंजार होता जा रहे। तो कृपया आप इसको हरियाली में तब्दील कीजिए, एक एक झाड़ लगा करके। सभी से यही अनुरोध है, यही निवेदन है, कृपया हो सके तो ये नेक कैम्प में, इस नेक काम में हाथ बढ़ाइए, इस पर्यावरण को मदद कीजिए।